हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि आजकल जैसे कि कूलर के स्टैंड फ्री हो गए हैं, हर घर में एसी लग गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है स्टैंड कबाड़ में देने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत स्टैंड होते हैं। तो इनको क्यों ना गार्डन में इस्तेमाल कर लिया जाए, जो हमारे पौधों के लिए फ्री का एक स्टैंड बन जाएगा। और फ्रेंड्स, ये इसके ऊपर कई गमले आ जाएंगे तो सफाई करने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं मेरा ये स्टैंड जो है काफ़ी पुराना है और ये मैंने खुद ही बनवाया था, तो अब ये फ्री हो गया है। तो इसके ऊपर मैं गमले रखूँगी और मैंने इसको अच्छी तरीके से पेंट कर लिया है। ब्लैक कलर का पेंट का मैंने इस्तेमाल करा है ताकि ये इसके ऊपर गमले रखे हुए भी अच्छे लगें। मैंने इसके लिए ये जगह डिसाइड करी है। रोज़ मैं कुछ ना कुछ अपने गार्डन में नया करती ही रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अब ये जो स्टैंड है, इसके ऊपर भी मुझे कुछ रखना पड़ेगा, तो मेरे पास लकड़ी के कुछ फट्टे वगैरह रखे हुए हैं, तो मैं इसको जो है फट्टों से कवर कर कर तभी गमले रखूँगी। तो मैंने ये स्टैंड इस जगह पे रख दिया है। अब इसके ऊपर जो है ये पटरा रख देंगे। ये जो पटरा है मेरे पास, ये भी काफ़ी पुराना पटरा है, तो इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे ये। तो एक पटरा इस तरीके से और रख दिया है। ये पटरे मेरे पास काफ़ी पुराने रखे हुए थे, थोड़े से ये डिसबैलेंस हैं पर ये चल जाएंगे। ये देखिए, ये स्टैंड मेरा बनकर इस तरीके से तैयार हो गया है। अब रखते हैं इसके ऊपर गमले। तो ये एक गमला मैंने ये रख दिया है, एक गमला इस तरफ भी रख देंगे। तो मैंने तीन गमले पीछे की साइड इस तरीके से रखे हैं। अब आगे की तरफ भी गमले रख देते हैं। एक गमला मैंने यहाँ रखा है और एक गमला मैंने यहाँ रखा है। और ये गमला है मेरे पास एक, ये मैंने एक मनी प्लांट का और एक ये छोटा सिंगोनियम का ऐसे रखा है। दो ये मेरे पास स्टैचू हैं, इनको भी मैं इस तरीके से सजा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने ये रख दिए हैं। अभी भी इसमें जगह खाली है, तो छोटे छोटे गमले और भी आ जाएंगे। एक गमला ये मेरा और इसमें आ जाएगा इस तरीके से, और इधर भी एक गमला और आ जाएगा इस तरीके से। एक गमला मेरा ये आ गया है, ये देखिए जेड प्लांट का भी इसमें मैंने रख दिया है। अब एक छोटी सी चीज़ और इसके आगे रख देते हैं, वो भी आ जाएगी। ये मैंने सेंसेवेरिया का प्लांट लगाया हुआ, एक साइड में इसको ऐसे रख दूंगी। ये देखिए, थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा। ये देखिए, और भी कुछ प्लांट इसमें आ जाएंगे। ये बोतल में मैंने लगाया हुआ है बहुत ही प्यारा सा प्लांट, स्नेक प्लांट, इसको रख दिया है। पीछे एक और मैं रखूंगी, ये भी मैंने कप में ही लगाया हुआ है, तो इसको भी मैं उठाकर इसके पीछे रख देती हूँ ताकि ये दोनों एक जैसे लगे रखे हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर काफ़ी सारे गमले मेरे आ गए हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ भी मैं इसमें प्लांट रखूँगी ताकि और अच्छी तरीके से इसमें डेकोरेशन हो जाए, ये मेरे बालकनी गार्डन में। एक मेरे पास ये है, इसको भी मैं इधर रख देती हूँ। एक मैंने एस्पैरगस इस तरफ रख दिया है और मैंने एक एस्पैरगस इस तरफ रख दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फुल जो मैंने स्टैंड पे गमले रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से अब लग रहा है। नीचे भी मैंने दो प्लांट रख दिए हैं। और फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ जो मैंने कबाड़ से ही जुगाड़ करके बनाई है। ये हैं पुराने दिए जिनको मैंने कलर कर दिया है और एक कील लगाकर। ये मेरे पास एक पुरानी टाइल्स रखी हुई थी और एक ये सुतली से मैंने इस तरीके से ये शेल्फ बना दी है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक मेरा जुगाड़ है
देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं दिए के बने हुए पुतले से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पुराने टीन जो आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर करा था, ये वो है। और इसके ऊपर मैंने छोटा सा बाल गोपाल बिठाए हुए हैं। और ये देखिए, एक गमले में मैंने कितने प्लांट लगाए हैं। बड़ा गमला था मेरे पास, ये ट्रायंगल ऑफ हार्ट लगा दिया है मैंने। एक ये बोतल मेरे पास पड़ी थी, ये देखिए, और उसके अंदर मैंने इस तरीके से सजा दिया है। और साइड में मैंने लगाए हैं ये स्नेक प्लांट, और पीछे मैंने ये प्लांट लगाया था फ्रेंड्स। और एक मैंने ये बनाया है ट्रे गार्डन, इसमें मैंने एक लगाया है ये सिंगोनियम का प्लांट, और दो मैंने बतकें बिठाई हैं, और ये दो तीन मैंने मशरूम मंगवाई हैं मीशो से। और ये जो मैंने ये टेबल बनाया है फ्रेंड्स, ये मैंने अपने ही गार्डन से जो लकड़ियाँ छोटे छोटे पौधों की होती हैं उसी के साथ बनाया है। और ये जो बस है, ये भी मेरी छोटी सी बच्चों का एक छोटा सा खिलौना था, उसी से मैंने सजा दिया है। तो फ्रेंड्स, गर्मी है तो पौधों को इधर उधर करना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा गार्डन जो है फैल भी गया है। और इधर मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने थोड़ी सी कटिंग भी लगाई है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब इसी स्टैंड की। इसी के साथ मैंने आपको और भी अपना थोड़ा सा कबाड़ से जुगाड़ दिखाया है आपको। ये मेरा पुराना कूलर का स्टैंड कबाड़ में क्यों दूं। वीडियो कैसे लगी? पौधों के लिए बना दिया स्टैंड। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।